का है, दुनिया को बताएंगे है यीशु महान परमेश्वर को जो योग्य है अपनी स्तुतियों पे विराजमान करें। परमेश्वर आप ही महान है, आप ही सर्वशक्तिमान है और कोई आपके समान नहीं है, ना था ना है ना कभी होगा। प्रभु सिर्फ आप ही हैं जो स्वर्ग के उस सिंहासन पे विराजमान है। प्रभु कोई नहीं है आपके जैसा प्रभु यीशु, और सारी स्तुति प्रशंसा के योग्य सिर्फ आप ही हैं प्रभु। इसीलिए हम कहते हैं योग्य तू है, योग्य सारी महिमा के, सारे आदर के, सारे धन्यवाद के। प्रभु हमारे समझ से भी ये परे है कितना योग्य है हमारा परमेश्वर। I'm not the only one.
हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ आप ही हैं जो योग्य है प्रभु, और कोई नहीं योग्य है, सिर्फ आप प्रभु। और धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु, जो हमारे लिए आया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया प्रभु यीशु, उस जकड़ से हमें छुड़ाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सर्वदा के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु, ओ तेरा धन्यवाद हो यीशु। और हे स्वर्ग के पिता, हम तेरे सम्मुख आज आए हैं आपको आराधना देने के लिए प्रभु, वो सारी स्तुति प्रशंसा और महिमा जिसके आप योग्य हैं। आप पवित्र हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। और हम मिलकर कहते हैं आराधना तेरे नाम को, तेरे संग खड़ा।
हाथों को उठाकर आज की सुबह हम उस परमेश्वर की आराधना को करेंगे। हालेलुया, जो सारी आराधना के योग्य, सारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, और जिस प्रकार बाइबल बताती है कि हर एक घुटना झुक जाएगा, हर एक जुबा इस बात का अंगीकार करेगी। हालेलुया, आइए अपने हाथों को उठाकर कुछ समय हम उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 ओ आराधना, हाथों को उठाकर बताती है कि हमारी आराधना में हमारा छुटकारा है। हालेलुया, हमारी आराधना में ही हमारी चंगाई है। हालेलुया, और आराधना में हर एक बंधन टूट जाता है। हालेलुया, आइए आज की सुबह हम विश्वास करें कि प्रभु मेरी आराधना में ही मेरा छुटकारा है। हालेलुया, मेरी आराधना में ही मेरी चंगाई है। हालेलुया, और मेरी आराधना में ही मेरी आजादी, मेरी स्वतंत्रता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्रियो हमें प्रार्थना करना है अंकल सुनील के पापा के लिए, जो कि बहराइच में है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। साथ ही साथ हमें प्रार्थना करना है हमारी उस जवान बेटी भावना के लिए जो पीजीआई में एडमिट है। आप सबको पता है हम लोग निरंतर उसके लिए प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। उस बेटी के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। प्रभु ने पिछली सर्जरी में अद्भुत काम को करके दिखाया और आगे भी हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आप निरंतर उसके हाथ में एक अपने चंगाई को दिखाओ। हालेलुया, हमें प्रार्थना करते रहना है हमारी बहन श्वेता के लिए जो कई सारा स्वास्थ्य का समस्याएं उनको है। हमें प्रार्थना करना है प्रभु इस बहन के जीवन में भी हम आपकी चंगाई को देखना चाहते हैं। हमें प्रार्थना करना है हमारी सरिता बहन के लिए, अभी आज वो कलीसिया में है, पैर में स्कूटी गिर गया था लेकिन फिर भी चलने में तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर के भवन में हम प्रार्थना करेंगे आज की सुबह कि उसकी उसकी आनंद उसके भवन में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में चंगाई है। हालेलुया, हम लोग विश्वास करेंगे चंगाई के लिए आज की सुबह। हालेलुया, और कुछ और लोग हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। एक बहन कैंट से आया है और उसको पारिवारिक रूप से कई सारी समस्याएं हैं, उस बहन के लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। रामकुमारी नाम है उस बहन का। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ हमारा एक भाई है, अभी पिछले दिनों में उनका नौकरी छूट गया क्योंकि वो कंपनी बंद हो गया है, और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस भाई के लिए भी खोले, उपाय करे ताकि एक दूसरी जगह उसको नौकरी मिलने पाए। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करके हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे आज की सुबह। विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आप अपने काम को इन लोगों के जीवन में कर दिखाइए और मेरे जीवन में करके। अगर आपको चंगाई की आवश्यकता है, क्यों नहीं आप अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की ओर देखें। और जो गीत हमने गाया, प्रभु आराधना और सिर्फ आराधना आपकी होने पाए, और जब आपकी आराधना मैं करूंगा मेरा चंगाई मेरा छुटकारा ओ प्रभु मेरे हाथ मुझे मिल जाएगा। हालेलुया, और इसलिए प्रभु जी आज की सुबह हम आपकी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं क्योंकि हमारी सहायता आपसे आती है प्रभु, और इसलिए प्रभु हम इन प्रिय जनों को आपके सिंहासन के समुख लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अंकल सुनील के पिता के लिए प्रभु, और उस बेटी भावना और हमारी बहन श्वेता के लिए, साथ ही साथ बहन सरिता के लिए प्रभु, और उस
बहन के लिए जो कैंट से यहाँ पर आई है, और हमारे उस भाई के लिए जिसने नौकरी को खो दिया है, प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आप जो स्वर्ग में विराजमान हो और आज भी अपने लोगों के बीच में प्रभु आप अपने खामों को कर कर दिखाने वाले परमेश्वर हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर है। प्रभु आज की सुबह हमारी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों को छुओ और चंगा करो प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना है वे जो बंधनों में हैं उनके बंधन टूट जाए प्रभु, और वो यीशु के नाम में आजाद होने पाए। प्रभु वो जिन्हें शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है उन्हें दे आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में जब वो बैठते हैं प्रभु आपका सामर्थ उनके जीवनों को छूने पाए प्रभु, और वो जैसे आए थे वैसे नहीं लेकिन चंगे इस स्थान से जाने पाए प्रभु। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो निराश हैं, जो टूटे हुए हैं प्रभु, उनके मनों से आप आज की सुबह बात करो और उनकी निराशा को आशा में और उनके टूटेपन को एक बल में बदल दो प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ उस भाई के लिए जिसने अपनी नौकरी को पिछले हफ्ते खो दिया। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अद्भुत रीति से उस भाई के लिए जो आप पर विश्वास करता है उपाय करो प्रभु, मार्ग को खोलो प्रभु, ताकि इस बात के द्वारा भी आपके नाम का महिमा हो जाए। प्रभु आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थना यही है कि आप हमारे मनों से बात करें प्रभु, हमें वो आत्मिक कान और मन दीजिए प्रभु कि हम आपकी आवाज को सुन नहीं पाए। आगे के समय को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आमेन। कितने लोगों को ये एलईडी दिख रही है रेड कलर की? सबको नहीं दिख रही? इधर ये साइड में जा रही है, इधर भी साइड में है, देखिए सबको। कुछ टाइम पहले तक इधर वाली एलईडी बीच में से खराब थी, ध्यान दिया था किसी ने? वो बीच में कनेक्शन टूट गया था, तो तब ज़्यादा अच्छी लग रही थी या अब ज़्यादा अच्छी लग रही है? अब ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सो देयर इज ब्यूटी व्हेन देयर इज कनेक्शन। जब कनेक्शन होता है तब उसमें सुंदरता होती है, मानते हैं आप? तो पड़ोसी से बोलिए बी कनेक्टेड, जुड़े रहना है। आमेन। कैसे जुड़े रहना है? सीट पे बेंच पे एकदम चिपक के बैठें? गर्मी में तो संभव नहीं है। आइए देखेंगे कि हमें जुड़े रहना है किससे और कैसे। पहली चीज, हमें जुड़े रहना है एक दूसरे से, टू ईच अदर। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सौ साल पहले की एक कहानी है। तीन मित्र थे, एक का नाम सैमी था, एक का नाम अमित था और एक का नाम महेंद्र था, कई सौ साल पहले। और उनकी मित्रता अच्छी थी, और अमित और सैमी अक्सर फ़ोन पे बात किया करते थे, एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। लेकिन महेंद्र बहुत कम सैमी से बात करते थे, और एक दिन सैमी को लगा कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो सैमी ने सोचा कि अगर मेरा कोई मित्र मेरे पास आ जाए मदद करने के लिए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने सोचा अमित से मेरी बहुत बात होती थी, अमित को बुलाते हैं, अमित आएगा मेरी मदद के लिए। और जब अमित को फ़ोन किया, अमित ने कहा भाई तुम बीमार हो और इन्फेक्शन मुझे भी ना लग जाए, इसलिए तुम ठीक हो जाओ तब मैं आऊँगा, तुम ठीक हो जाओ। फिर उन्होंने महेंद्र को बताया, और जैसे ही महेंद्र को पता लगा सैमी मेरा दोस्त बीमार है, वो तुरंत सब कुछ छोड़ के सैमी के पास आ गया और अच्छा ख्याल रखा और ठीक से उनकी देखभाल करी। अब आप बताइए कि सैमी से उनका कौन सा मित्र कनेक्टेड था, अमित या महेंद्र? जबकि बात हर वक्त किससे होती थी? अमित से होती थी। क्या हम उसको बोलेंगे वो कनेक्शन था? इसी तरीके से हो सकता है हम कलीसिया में जब आते हैं मिलते हों ज़रूर सबसे, अच्छे से बात करते हों, फ़ोन पे भी बात करते होंगे, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ कनेक्टेड हैं।
आज हमें इस बात को अपने अंदर जांचना है और सही रीति से हमें एक दूसरे से कनेक्टेड होना है, कम से कम मसीह की इस देह में, इस कलीसिया में एक दूसरे से हमें कनेक्टेड होना है। कई बार हमारे किसी मित्र का फोन आता होगा, पूछते होंगे कैसे हो, क्या चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कनेक्शन है। तो कनेक्शन अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं? पहली चीज़ इसमें हम देखेंगे, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर आप किसी से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आपको उससे प्रेम रखना है। यूहन्ना उसका 13:34-35 में हम देखेंगे, इसमें यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या हम उसके चेले हैं? कितने लोग मानते हैं कि आप प्रभु के चेले हैं? आमेन। प्रेम रखना एक दूसरे से हमारे लिए कोई ऑप्शन या चॉइस या विकल्प की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तो जिस प्रकार से हम और आज्ञाओं को मानते हैं, हमें इस आज्ञा को भी मानना है। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है क्योंकि ये एक आज्ञा है। अगर अमित ने सही में सैमी से प्रेम रखा होता तो उनकी बीमारी में वो मदद करने के लिए जाता। अगर सच्चा प्रेम रखा होता तो वो जरूर जाता। कई बार हम जानते हैं कि ये असंभव है कि हम सबसे वैसा ही प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया, लेकिन कम से कम जो कलीसिया के भीतर है, नहीं हम बाहर वालों से कर पा रहे, लेकिन कम से कम जो कलीसिया के भीतर है, जो मसीह की देह का भाग है, कम से कम हम उनसे प्रेम करें। प्रेम हमें सबसे करना है, जो बाहर है उनसे भी करना है, लेकिन शुरुआत घर से होती है। कलीसिया के सदस्यों से, सबसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। दूसरी चीज, कैसे हम कनेक्शन दिखा सकते हैं किसी से? सर्व वन अनदर, एक दूसरे की सेवा करें। गलातियों उसका 5:13 में देखेंगे, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पड़ोसी से पूछे, क्या मेरे दास बनोगे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लेकिन यदि हम कनेक्टेड होना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे का दास बनना है। अब एक दूसरे का दास बनने का ये मतलब नहीं है आप उनको फोन करें, आप घर पे मिलेंगे, मुझे बर्तन धोने आपके यहाँ के। दास बनने का मतलब ये नहीं है। दास बनने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके घर के कामों में सहायता करें, लेकिन आप करना चाहे आप कर भी सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेरा दर्जा अलग है, मेरे बगल वाले व्यक्ति का दर्जा अलग है, मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं उससे ज़्यादा धनी हूँ, मेरे पास उससे बेहतर नौकरी है, मैं डॉक्टर हूँ, वो तो सब्जी वाला है, मैं कैसे उसकी सेवा करूँ? यदि आप प्रभु में हैं तो आप याद रखिए, यीशु मसीह ने, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पूरे ब्रह्मांड का राजा और स्वामी, वो कहता है, मैं यहां पर अपनी सेवा करवाने नहीं आया लेकिन सेवा करने आया हूं। जब वो महान परमेश्वर, जो सब बातों के योग्य है, जिसके सामने पूरा स्वर्गदूत, पूरा स्वर्ग उसके सामने झुकता है, उसकी महिमा के लिए गाता रहता है, वो कहता है, मैं सेवा करवाने नहीं लेकिन करने आया हूं।
लेकिन आज हमारे लिए ये बड़ा कठिन हो जाता है कि हम किसी की सेवा करें। मुझे याद है पास्टर सैमी ने इस महीने के पहले रविवार को बताया था, जब कोई आता है और बेंच पे जगह खाली होती है, वो एक दूसरे को घूरते हैं, जगह नहीं मिलती है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा घिसक के उस व्यक्ति को जगह दे रहे हैं, तो वो भी एक छोटी सी सेवा है जो आप उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। यू आर सर्विंग हिम इन सम वे। लेकिन ये तभी संभव है व्हेन यू आर कनेक्टेड, जब आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमित ने सोचा होगा, अरे सैमी बीमार है, मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे सेवा करनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा, मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन यदि अमित अगर कनेक्टेड होता तो उसे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई आ रहा है इस कलीसिया से, इस भवन से कोई अंदर आता है, चलने में तकलीफ है, आप उसका हाथ पकड़ के ले आइए, ये एक छोटी सेवा आप कर सकते हैं। किसी को पानी पिलाने में हम छोटे नहीं हो जाते। आप खुद अपने जीवन में ढूंढ सकते हैं, इस कलीसिया में आप खोज सकते हैं कि वो क्या तरीका है जिस तरीके से मैं किसी की सेवा कर सकता हूं। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ढूंढें किस तरीके से मैं सेवा कर सकता हूं, एक दूसरे के दास बनो। तीसरी चीज, अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तीसरी चीज है forgive one another, एक दूसरे को क्षमा करो। इफिसियों 4 अध्याय उसका 32 में हम देखेंगे, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कई बार एक व्यक्ति आया बैठने के लिए, आपने उसको जगह नहीं दी, अगली बार वो आपसे पहले आके वहां पे बैठेगा, और जब आप आके उसको देखेंगे, वो आपको जगह नहीं देगा। लेकिन हमें क्षमा करना है, जो दूसरे हमारे साथ करते हैं वैसे हमें उनसे नहीं करना है। कई बार हम क्षमा कैसे करते हैं, किसी को क्षमा किया फिर उससे कहेंगे, मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया होता अभी मुंह तोड़ देता तुम्हारा। इस प्रकार की क्षमा हम में रहती है, हम कहेंगे हमने उसको क्षमा कर दिया लेकिन उसकी शक्ल मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, हमने उसको क्षमा कर दिया लेकिन मेरे सामने आए तो यहीं पे पटक दूंगा, ऐसी क्षमा हम करते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें इस तरीके से क्षमा किया होता, मैंने उसको क्षमा कर दिया मगर स्वर्ग में नहीं आने दूंगा, तो क्या होता। अगर हम अपने आप को देखें, किस प्रकार के हमने अपराध किए, किस प्रकार के पाप किए, यदि प्रभु ने एक पाप भी हमारा क्षमा नहीं किया तो क्या होगा। मान लीजिए सारे पाप उसने क्षमा कर दिए, एक छोटा सा पाप उसने नहीं क्षमा किया, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपने आप को परमेश्वर की संतान बोलते हैं, तो जिस रीति से हमारा परमेश्वर क्षमा करता है वैसे हमें भी क्षमा करना है। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई, ए हमारे पिता की प्रार्थना, जिसमें एक लाइन आती है जो कहती है, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, ये नहीं है कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर इसलिए हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे। उसने कहा जिस तरह हम, पहले ये चीज आ रही है, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्षमा करना बहुत कठिन हो, और हो सकता है कुछ लोग आराम से क्षमा कर लें, लेकिन यदि आपके लिए कठिन है क्षमा करना, आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं क्षमा कर पाऊं। कितने पेरेंट्स यहां पर हैं, कितने मां बाप हैं यहां पर, आपका बच्चा जब कोई गलती करता है आप उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, आप उसको क्षमा करते हैं चाहे जितनी बड़ी गलती करी हो। क्यों? क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हैं, आप अपने बच्चे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन सड़क पे चलते कोई आपकी कार को ठोक के अगर चला जाए, क्षमा कर पाएंगे उसको?
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके और उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, आप उससे मिले नहीं हैं, आप उसको जानते नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, आप नहीं क्षमा कर पाएंगे। इसलिए यदि हमें क्षमा भी करना है तो जरूरी है कि हम उस व्यक्ति से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें उससे। कितनी बार परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, और नया नियम हमें सिखाता है हमें कितनी बार क्षमा करना है, 7 × 70 बार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 × 7 कर लें और गिने कि हाँ इतनी बार मैंने उसको क्षमा कर दिया, अब नहीं करूंगा, अब ये 71वीं बार हो गया, अब नहीं करूंगा। नहीं, 7 × 70 का मतलब ये है आप उसको क्षमा करते जाओ, वो आपको सीमा नहीं दे रहा है लेकिन वो आपकी सीमा बढ़ा रहा है। अनगिनत बार आप क्षमा करो, ये हमें वचन सिखाता है। ये तब होगा जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। चौथी बात, बेयर वन अनदर, एक दूसरे को सहलो। रोमियोस के 15:1 में लिखा है, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। सी, मसीह की जो देह है, ये जो कलीसिया है, ये अलग अलग प्रकार के लोगों से बनी है, हर कोई एक जैसा नहीं है। यहां पे कुछ लोगों की कुछ पसंद होंगी, कुछ लोगों की अलग पसंद होंगी, कुछ लोगों की कुछ नापसंद होंगी, किसी का मजबूत विश्वास होगा, किसी का कमजोर विश्वास होगा। लेकिन हमारा रवैया जो कमजोर है उनके प्रति कैसा है? कई बार मैंने अनुभव किया है, जो विश्वास में मजबूत है वो विश्वास में जो कमजोर, उनके साथ प्रार्थना भी नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है ये मेरे स्तर का नहीं है, वो मुझे वो उपस्थिति नहीं महसूस होगी परमेश्वर की यदि मैं इसके साथ प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थनाओं का लेवल कम हो जाएगा यदि मैं इसके साथ प्रार्थना करूंगा, अरे इसमें उतना अभिषेक नहीं है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है, आप जान रहे हैं वो कमजोर है, आप जानते हैं वो बार बार गलती करता है, तो आप उसका न्याय ना करें कि ये बार बार गलती करता है, कितना समझाऊं। अब उसके हाथ को पकड़ के आप निकाले, वचन बताता है अपने भाई को झपट के आग में से निकाल लो। ये हमारी जिम्मेदारी है, यदि कोई कमजोर है तो उसको हम सहारा बने, उसको हम नम्रता दिखाएं, उसको हम बनाएं, उसको निर्माण करें। हम हो सकते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आते होंगे, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका अलग होगा, हमारा बात करने का तरीका अलग होगा। कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं, खिसिया जाता है, अरे उसको बात करना नहीं आता, अरे वो पता नहीं कपड़े कैसे पहन के आ जाते, उसकी कमीज बाहर है, उसका ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मसीह की देह की ये सुंदरता है कि हर कोई एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। और यदि आपको किसी की कोई बात नहीं पसंद, आप उसको सह लीजिए। बेयर वन अनदर। पांचवी बात, बेयर द बर्डन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के बोझ को सहो, एक दूसरे को बोझ उठाने में सहायता करो। गलातियों उसका 6:1-3 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हम संभालें उन लोगों को जो गिरते हैं, हम उनका भार उठाने में सहायता करें। जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह चाहता तो कहता तुमने तो इनकार कर दिया, तुम जाओ यहां से, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह को पता था यहूदा भी
यीशु मसीह को धोखा देगा, लेकिन यीशु मसीह का रवैया उसके प्रति नहीं बदला। लेकिन हमारा रवैया बदल जाता है किसी ऐसे के प्रति जो बार बार गलती करता है। वी चेंज आर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दैट पर्सन। अरे ये गलती करता है, मैं इससे दूर रहूंगा। अगर आप दूर रहेंगे तो उसको प्रभु में कौन लाएगा? कई बार ये शिक्षा चलती है कि तुम ऐसे लोगों के बीच में मत जाओ जो गलत आदतों में है। बिल्कुल ठीक बात है, आप उनके बीच में जाके उनके जैसे मत बनिए, लेकिन आप उनको प्रभु में लाइए। आप नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप उनके बोझ को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कई बार कुछ लोग बहुत निराश हो जाते हैं किसी बात को लेकर। हो सकता है उन्होंने किसी को खो दिया हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी अपराध किया हो जो वो किसी से बता नहीं पा रहे, वो बोझ से दबे हुए हैं। आप नहीं जानते, अगर आप केवल एक बार उनकी पीठ पे भी हाथ रख देंगे जाके, वो कितना मायने उनके लिए रखता है। आप एक दूसरे के बोझ को उठाइए। कलीसिया में इतने प्रकार के लोग हैं, क्या हम किसी के पास जाकर हमने पूछा कि आप किसी बात से परेशान हैं, मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपका बोझ उठाने में आपकी मदद करूंगा। यह है कलीसिया, यह है कनेक्शन। कनेक्शन केवल फोन पे हालचाल लेना नहीं है, घर पे जाके। मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में खाने को बड़ा महत्व दिया जाता है, सब कुछ खाना ही है। अगर हमें किसी से अपना कनेक्शन दिखाना है तो उसको अच्छा चिकन खिलाना है। ये कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन का मतलब है भले ही वो व्यक्ति के पास इतना काबिल ना हो कि वो आपको कुछ खिला पाए, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जाके बैठे, उसको आप गले से लगाएं, उसके बोझ को आप उठवाएं, उसका सहारा बने। ये होता है कनेक्शन। कनेक्शन इज नॉट अबाउट फूड, कनेक्शन इज अबाउट हार्ट। एक दूसरे का भार उठाने में हम उसकी सहायता करें। वी मस्ट हेल्प वन अनदर टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द फॉलन स्टेज। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ ऐसा होता था, हो सकता है किसी और के साथ भी होता। जब हम कोई गलती को करते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख जाने में हमारी हिम्मत नहीं होती, हमें घबराहट होती है, और ऐसा करते करते वो व्यक्ति कलीसिया आना छोड़ देता है, फिर वो व्यक्ति दूर होता चला जाता है। ऐसे में कलीसिया की जिम्मेदारी है, यदि आपको मालूम पड़ता है ऐसे किसी के बारे में जिसने कोई गलती करी, नहीं कलीसिया आ रहा है, आप अपना कनेक्शन उससे दिखाइए। आप उसकी सहायता करिए कि यदि वो गिरी हुई दशा में है, आप उसको थाम के उसमें से निकाल लें। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता कलीसिया में जो अपने आप से उठ के खड़ा हो जाए। हमें सहायता चाहिए होती है, हमें सहायता देनी होती है। हम उस व्यक्ति को मदद करें, उसको थामें, उसको उठाएं, उसको प्रभु में फिर से हम आगे लेकर जाएं। जब आपका बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, तो क्या आप उसको पढ़ा रहने देते हैं? अरे तुम बार बार गिर जाते हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, अपने आप उठो और चलो। ऐसा करते हैं हम? ऐसा नहीं करते हैं। उस बच्चे को फिर से उठाते हैं, उसका हाथ थामते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई हमारे बीच में ऐसा है जो बार बार गिरता है, आप उसके हाथ को थामें, उसको उठाएं और उसको लेकर चलें। अगली बात, सबमिट टू वन अनदर। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, इफिसियों 5:21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, यह केवल तभी संभव है जब हम दूसरे को खुद से बेहतर समझेंगे। वचन हमें बताता है दूसरे को खुद से बेहतर समझो, लेकिन यहां पे उल्टा चलता है, हम बेहतर हैं। वो मेरे जैसा नहीं गा सकता, मैं बेहतर गाता हूं। उसके पास मेरे जैसी नौकरी नहीं है, मैं बेहतर हूं। मैं ज्यादा कमाता हूं, मेरे पास ज्यादा बेहतर गाड़ी है, मैं बेहतर दिखता हूं, मेरे पास बेहतर परिवार है। नहीं, हो सकता है आप इंजीनियर हो, लेकिन एक इंजीनियर भी एक भिखारी से भी
कुछ सीख सकता है, भले ही वो इन तकनीकी बातों को ना सीखे लेकिन कुछ सीख सकता है यदि हम चाहें तो। कलीसिया में मेरे बगल में कोई बैठा है, हमें लगेगा ये मेरे स्तर का नहीं है, इससे थोड़ा दूर घिसक जाऊं, लेकिन हमें दूसरे को खुद से बेहतर समझना है, तभी हम एक दूसरे के अधीन हो पाएंगे। यदि आप अगले व्यक्ति को खुद से कम समझेंगे, आप कैसे उसके अधीन हो पाएंगे? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अधीन नहीं हो सकता, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जानता है कि प्रधानमंत्री उससे बड़ा है। उसी प्रकार से जब हम दूसरों को खुद से बेहतर समझेंगे तो हम उसके अधीन हो जाएंगे, हमें अधीन होने में समस्या नहीं होगी। यदि कोई आपसे कहता है कुर्सी उठा के आगे दे दीजिए, अरे मुझसे कैसे कह दिया, अच्छा मुझे बता रहा है। लेकिन यदि आप में नम्रता है, आप कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे के अधीन होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए कि आप उसके कहने पे कुर्सी लेके ले आए। सबमिट टू वन अनदर। अगली बात है एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते रहें। इब्रानियों उसका 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यदि आप अपने आप को कनेक्टेड कहते हैं एक दूसरे से, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रोत्साहित करते रहें, आप उसको एनकरेज करते रहें, उसकी तकलीफों में आप उसको प्रोत्साहित करें, उसकी मसीह यात्रा में आप उसको प्रोत्साहित करें, कहीं वो पीछे ना हो जाए, क्योंकि मसीह का दिन निकट है। यीशु मसीह कब आ जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, विश्वास में बढ़ावा देते रहें। See, every believer must do his best in encouraging his brothers to stand firm in faith. हर एक विश्वासी को, जितने लोग यहां पर हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पड़ोसी को आप प्रोत्साहित करें कि वो अपने विश्वास में बढ़ता रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि एक मसीह जो जिम्मेदार मसीह है वो परमेश्वर से कभी ये नहीं कहेगा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ये किसने कहा था? ये कैन ने कहा था। कैन जब पूछते हैं, कैन से जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहां है, तो कहता है क्या मैं उसको रखवाला हूं? यदि आज जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, आप जब स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर आपसे पूछेंगे तुम्हें बगल में बैठता था कहां है, आप उस वक्त ये नहीं कह सकते क्या मैं उसका रखवाला हूं? क्योंकि यदि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपसे जोड़ा है इस कलीसिया में, इसका मतलब है कि आपका कोई उद्देश्य है, आपको उसको प्रोत्साहित करना है। कई बार कई लोग पास्टर्स के पास आके अपनी दिक्कतों को नहीं बांट सकते, आप लोग हैं, आप लोग बांटिए, आप लोग बात करिए, आपस में बताइए, प्रार्थना करिए, प्रोत्साहित करिए। जो सहयोग उन्हें चाहिए वो हम दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है। किस प्रकार से, क्या बातें बताई? अगर हमें कनेक्टेड रहना है एक दूसरे से तो क्या जरूरी है? पहला है एक दूसरे से प्रेम रखें, दूसरा है एक दूसरे की सेवा करें जी, तीसरा एक दूसरे को क्षमा करें, माफ करें जी, चौथा एक दूसरे की सह लें जी, पांचवा एक दूसरे के बोझ को उठाएं जी, छठा एक दूसरे के अधीन रहें, सातवा और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। और जब इन बातों को हम करते हैं, इसके द्वारा वी कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से जुड़े हुए रह सकते हैं। एक बार फिर से पड़ोसी से बोलिए बी कनेक्टेड, और जबकि बोलिए हम जुड़े रहेंगे, बोलिए पड़ोसी से हम जुड़े रहेंगे। आमेन। और हमें किससे जुड़े रहना है, ये तो एक दूसरे से जुड़े रहने की बात हो गई,
और हमें जुड़े रहना है कलीसिया से. दूसरा बिंदु, हमें कलीसिया से जुड़े रहना है. वी हैव टू बी कनेक्टेड टू द चर्च. पहला यूहन्ना उसका 1:7 कहता है, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. सहभागिता बहुत जरूरी है, कलीसिया की सहभागिता जरूरी है. वचन कहता है अंत के दिनों में ये लोग ऐसा करेंगे कि वो सहभागिता छोड़ देंगे, लेकिन सहभागिता हमारे लिए जरूरी है, कलीसिया में आना जरूरी है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर आपको एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देखता, वो आपको एक पूरी देह के रूप में देखता है. एक व्यक्ति जो करता है उसका प्रभाव सब पर पड़ता है. वो एक व्यक्ति, ये वो परमेश्वर ये नहीं देखते, हाँ ये व्यक्ति ज्यादा आराधना कर रहा है, ये व्यक्ति कम आराधना कर रहा है. एक समूह, एक बॉडी, एक देह के रूप में परमेश्वर तब हमें देखते हैं. इसलिए कलीसिया में सहभागी होना, कलीसिया से जुड़े रहना बहुत जरूरी है. यदि हम प्रेरितों के काम उसके 2:24 में देखें और इब्रानी 10:25 में देखें, उस प्रकार से लिखा है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो. कलीसिया में जो अभी आज बताया गया कि आने वाले शुक्रवार को पूरी रात्रि की प्रार्थना होगी, यू हैव टू बी कनेक्टेड टू द चर्च. वहां पे कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत प्रार्थना विषय लेके नहीं आ रहा है, एक कलीसिया इकट्ठा हो रही है, एक देह, एक परिवार के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं. जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो बड़े कार्य होते हैं. जब कलीसिया एक मन से होता है, जब कलीसिया कनेक्टेड रहता है, बड़े कार्य होते हैं. लेट अस कंसिडर इट इंपॉर्टेंट टू हैव फेलोशिप एंड बी कनेक्टेड टू द चर्च. पतरस और यूहन्ना जेल में थे और कलीसिया, लिखा है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी. तब क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना जेल से बाहर आए, उनकी चेन टूट गई. पौलुस जेल में था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, वो जेल से बाहर आया. ये सब कैसे संभव है? बिकॉज दे वर कनेक्टेड टू द चर्च. यदि वो चर्च से जुड़े हुए नहीं रहते तो उनके लिए प्रार्थना कौन करता? कैसे वो बाहर आते? कलीसिया से हमें जुड़े रहना है, कलीसिया में हमारी सुरक्षा है. चर्च इज अ कवरिंग फॉर अस. कलीसिया से हम जुड़े रहें. और हम नहीं जानते कि ये अवसर हमें कब तक मिलता है. कितनी कलीसियाएं हैं जो बंद हो गई. पहली कलीसिया कैटाकॉम्स में मिलती थी, गुफाओं में जा जाके मिलती थी. चाइना में चर्च अंडरग्राउंड मिलता है. आज हमारे पास जब तक ये अवसर है कि हम कलीसिया में आ सकते हैं, हम जरूर से आते रहें. कुछ लोग सोचेंगे घर पे ऑनलाइन बैठ के भी देखते हैं, ठीक है अगर आप देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया में आने का महत्व अलग है. जब आप यहां इकट्ठा होते हैं, एक छत के नीचे प्रार्थना करते हैं, वो दहाड़ उठती है, उसका असर अलग होता है. कलीसिया से हमें कनेक्टेड रहना है. वो कलीसिया जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप की जान दे दी, अगर वो कलीसिया ना मिले तो क्या फायदा? और कलीसिया हमारी सहायता करता है कि हम एक साथ बढ़ते जाएं, कोई पीछे ना रह जाए. और तीसरी चीज, वी हैव टू बी कनेक्टेड टू गॉड. परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है. पहली चीज, हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है. दूसरी चीज, हमें कलीसिया से जुड़े रहना है. और तीसरी चीज, हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है. मान लीजिए आप बहुत सुंदर लाइट और झालर और झूमर सब कुछ अपने घर पे लेकर आए, बहुत पैसा खर्चा किया, लगा दिया, लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने उसके प्लग को स्विचबोर्ड में नहीं लगाया, तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा. और उसके वहां होने का भी कोई फायदा नहीं होगा. इसलिए कनेक्शन बहुत जरूरी है.
इसी तरीके से हो सकता है हम लोग दिखने में बहुत सुंदर हो, दिखने में बहुत अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो, परमेश्वर की बुलाहट भी हो हमारे जीवन पर, हम गाते भी बहुत अच्छा हो, हम कलीसिया भी आते हैं, हम पास्टर भी होंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हैं, तो ये सब व्यर्थ है। गाने वाले लोग तो बाहर दुनिया में भी बहुत हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं, क्या फर्क फिर रह जाएगा उनमें और हम में? What makes us different is the connection we have with God. जो परमेश्वर से हमारा जुड़ाव है, जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो फर्क को लाता है। मैं हो सकता हूं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार भी दिया है कि मैं दुष्ट आत्माओं को डांटूं, परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि मैं बीमारी को डांटूं, लेकिन यदि मैं परमेश्वर से नहीं जुड़ा हूं तो वो अधिकार काम नहीं करेगा। कई बार चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए आप लोग आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर से जुड़े हैं, हो सकता है मुझसे मजबूत रिश्ता आपका हो परमेश्वर से, हो सकता है मुझसे ज्यादा कनेक्शन आपका हो परमेश्वर से, आपकी भी प्रार्थनाओं से चंगाइयां होंगी, आपकी भी प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्माएं भागेंगी, आपकी भी प्रार्थनाओं से चमत्कार होंगे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा कि जितने पास्टर्स हैं केवल उनको मैं ये अधिकार देता हूं। विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। आप विश्वासी यदि हैं और यदि आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं तो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा भी अद्भुत कार्य होंगे। बिकॉज द सोर्स इज गॉड, परमेश्वर स्रोत है, अन्यथा जितना हम चिल्लाएं बीमारी पे, जितना चिल्लाएं दुष्ट आत्मा पे, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर स्रोत है, हमें परमेश्वर से जुड़ा रहना है। कैसे हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं? वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा, प्रे ऑलवेज, निरंतर प्रार्थना करते रहो। थिस्सलुनीकियों में भी लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने पूरी पूरी रात भी प्रार्थना करी। जब वो परमेश्वर होके पूरी रात प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कितनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। जीसस प्रेड होल नाइट, हाउ मच मोर डू वी नीड टू प्रे। जीसस वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड, दैट इज वाई वो बस एक बार कहते थे और हो जाता था, क्योंकि उनका कनेक्शन परमेश्वर से हर वक्त था। दुष्ट आत्मा ऊपर चिल्लाते नहीं थे, एक बार उन्हें बोला जाओ वो गई, बीमार से एक बार बोला चंगे हो जाओ वो चंगा हो गया, क्योंकि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। और क्यों था? क्योंकि उनके दिन की समाप्ति प्रार्थना से होती थी, उनके दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती थी। He was always connected to God. और यीशु मसीह ने कहा, मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा आपको, आपको प्रार्थना करने के लिए मैं एक टाइम टेबल नहीं बना के दूंगा। आप स्वयं अपने जीवन में आप देखिए कि आपको कितनी प्रार्थना करनी है। यदि आप 4 बजे उठ के कर सकते, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, वो आपके ऊपर है। बट यू हैव टू बी कनेक्टेड टू गॉड। और केवल उतना ही नहीं, दिन भर में भी चलते फिरते, उठते बैठे, कीप स्पीकिंग टू गॉड। आप परमेश्वर से बात करते रहिए। दैट इज हाउ वी कैन बी कनेक्टेड टू गॉड। इब्रानी की किताब हमें बताती है कि अपनी दौड़ को हम परमेश्वर की ओर नजर लगा के दौड़ते रहें, किसी को देखते रहें, यीशु मसीह को देखते रहें और दौड़ते रहें। लेकिन यदि हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं
तो आप उसको नहीं देखेंगे। जितने पति पत्नी यहां पर हैं, आप जिस तरीके से आप एक पति अपनी पत्नी को देखता है, एक पत्नी अपने पति को देखती है, वैसे आप हर किसी को नहीं देखेंगे, और अगर देखते तो ये गड़बड़ बात है, लेकिन आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक कनेक्शन है उसके साथ, जिसके साथ आपका कनेक्शन है आपकी नजरें उस पर लगी रहेंगी। यदि यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन है, आपकी नजरें यीशु मसीह पे लगी रहेंगी और आप अपनी दौड़ को पूरा करेंगे उसको देखते हुए। कई बार मोबाइल पे लोगों का वॉलपेपर होता है, या तो उनकी पत्नी का या पति का, ताकि जब मौका लगे देख लें। किसी और का तो नहीं है, उम्मीद है, जब मौका लगे देख लें। ये ऐसा कनेक्शन हमारा यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, जब मौका लगे हम उसकी उपस्थिति में भाग जाएं। वी हैव टू स्लिप अवे इन हिज प्रेजेंस। हम कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही मौका लगा चले गए प्रार्थना में, रोटी बना रहे, रोटी सिक रहे, ये प्रार्थना कर ली उतनी देर में। दैट इज पॉसिबल, ये संभव है, ऐसा कनेक्शन हमें चाहिए। इसलिए आज मैं आप सभी को चैलेंज करता हूं, कीप प्रेइंग, बी कनेक्टेड टू गॉड। सो वी हैव टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े रहना है। वी हैव टू बी कनेक्टेड टू द चर्च, कलीसिया से जुड़े रहना है। एंड वी हैव टू बी कनेक्टेड टू गॉड, परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो और प्रार्थना करें। यदि आप इस प्रकार का कनेक्शन चाहते हैं परमेश्वर से, तो आज हम समर्पण करें और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आज हम समर्पण करते हैं। यदि हम अभी तक शायद एक दूसरे से उस प्रकार से ना जुड़े रहे हो सकता है हम अभी तक कलीसिया से कनेक्टेड नहीं रहे, हो सकता है हम आपसे कनेक्टेड नहीं रहे, लेकिन आज हम इस समर्पण को करते हैं परमेश्वर कि हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, हम कलीसिया से जुड़े रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, टू द चर्च एंड टू यू लॉर्ड। प्रभु यदि आपके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप मांगने से ज्यादा, मांगने से पहले आप देते हैं, आप जानते हैं। ये कनेक्शन के द्वारा संभव है। कई बार बच्चा जब परेशान होता है, उसके मां बाप को पता लग जाता है वो परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका एक कनेक्शन है। इसी प्रकार से परमेश्वर हम एक कनेक्शन आपसे चाहते हैं, वो कनेक्शन जो आपने इस पृथ्वी के आरंभ से हमारे साथ चाहा। जब आपने आदम को बनाया, तब से आपने वो कनेक्शन हमारे साथ चाहा, लेकिन हम उस कनेक्शन को नहीं रख पाए, हम उस कनेक्शन को रखने में असफल रहे। लेकिन प्रभु आज हम समर्पण करते हैं, हमारा कनेक्शन आपके साथ बन जाए और उसके द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, हम कलीसिया से कनेक्टेड रहें और हम आपसे कनेक्टेड रहें परमेश्वर। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु सहायता करिए, सहायता करिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये परमेश्वर और आपके बीच का समय है। सब बातों को भूलकर केवल परमेश्वर की ओर मन लगाएं, समर्पण करें। प्रभु हमें जोड़िए। लेट अ न्यू कनेक्शन बी एस्टैब्लिश्ड टुडे। एक नया संबंध हमारा आपसे जुड़ जाए, एक नया जोड़ जुड़ जाए परमेश्वर। प्रभु सहायता करिए, हम समर्पण करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करिए यदि अभी तक हम आपसे दूर रहे, खुद को आपसे जोड़ के नहीं रखा। आज हमारे उस रिश्ते को आप पुनर्स्थापित करिए, हमें खुद से जोड़ लीजिए प्रभु। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम यदि आपसे ना जुड़े रहें,
तो हम कुछ भी नहीं, हमारा कोई आश्रा, कोई सहारा, कोई उम्मीद नहीं यदि हम आपसे ना जुड़े हो। और प्रभु, हम एक दूसरे से तब जुड़ सकते हैं जब हम आपसे जुड़े हो, हम कलीसिया से तब जुड़ सकते हैं जब हम आपसे जुड़े हो। परमेश्वर प्रभु, हमें जोड़िए खुद से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, समर्पण करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी। जब यीशु मसीह ने आदेश दिया अपने शिष्यों को एक दूसरे से प्रेम करो, ये एक नई आज्ञा है जो मैं तुम्हें देता हूँ। हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा हम यीशु की भी सेवा करते हैं। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी। हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, जब हम एक दूसरे की सह लेते हैं, एक दूसरे के बोझ को उठाते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, इन चीजों को करने के द्वारा एक बत्ती समान हमारे जीवन से वो प्रकाश उत्पन्न होती है और वो प्रकाश जलती भी है। ये दिखाने के लिए जो यीशु ने कहा, तब सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि वो बत्ती, वो जगत की ज्योति हम अपने इन कार्यों के द्वारा हम जलने देते हैं, और इसके द्वारा प्रभु यीशु की महिमा प्रकाशमान होती है। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी। हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं आज की सुबह, इससे पहले कि हम अपने अपने घरों को जाएं, एक समर्पण हम करें कि हे प्रभु यीशु, जो आपने एक इच्छा प्रकट करी है मेरे लिए, जो आप चाह रहे हैं मेरे जीवन से और मेरे जीवन के अंदर और मेरे जीवन के द्वारा, प्रभु आपकी कामना, उस कामना को मैं पूरी कर सकूं, ये मेरी कामना है। जो आपकी चाहत है, जो आपकी इच्छा है मेरे लिए, मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा, होने दे आज के दिन, जबकि मैंने सब कुछ सुन लिया है आपके वचन के द्वारा, इस अद्भुत संदेश को सुन चुका हूं मैं, होने दे कि अब जो मैंने सुना है उसे अब मैं करने लगूं, ना कि केवल सुनकर उसे भूल जाऊं, परंतु सुनकर मैं उसके अनुसार अपने जीवन को जीऊं, और मैं प्रभु यीशु से मैं जुड़ा रहूं, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर मैं यीशु की देह से जुड़ा रहूं, क्योंकि वो प्रभु यीशु का देह है, और फिर मैं अपने भाइयों से और बहनों से व्यक्तिगत रीति से मैं जुड़ा रहूं। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। हो एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। करता समर्पण, हाथों को उठाकर गाएं, आत्मा और जीवन तेरी आराधना।
करता समर्पण, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। प्रभु जी यहां पर खड़े हर एक व्यक्ति के हृदय में आप झांक कर आप देख सकते हो, आप हर व्यक्ति के हकीकत को उससे बढ़कर आप देख सकते हो और आप जानते हो। जितना मैं अपने बारे में जानता हूं उससे बढ़कर आप मेरे बारे में जानते हो। और इसीलिए जिस प्रकार से दाऊद ने कहा, हे यहोवा परमेश्वर मेरे हृदय को जांच और देख, यदि उसमें कोई ऐसी बात है जो आपके विरुद्ध में है तो उस बात को मेरे हृदय से निकाल कर मुझे शुद्ध बनाकर मुझे आजाद करो, ताकि मेरा हृदय आपके हृदय दिल की धड़कन की बातों के पीछे होने लगे। मेरी प्रार्थना आज के दिन यहोवा परमेश्वर कि हम सब आपके दिल के खोजी बनने पाए। हम एक फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रचार एक सर्मन सुनने वाले लोग ना हो, जो कि कहीं पर भी किसी भी चर्च में किसी भी रविवार को मिल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हों जो पवित्र आत्मा के संदेश को डायरेक्ट पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से वचन में से दिखाते हुए हमारे दिलों में पहुंचने पाए, हमारे मनों में पहुंचने पाए, और फिर वहां पहुंचकर उसे हम प्रोसेस करने पाए, ना केवल सुनकर वहां छुपाए, इतनी गहराई में छुपाए कि हम ढूंढ भी ना पाए, परंतु उसे हम प्रोसेस करके हम उसे अपने रोज के जीवन में हम अभ्यास में लाएं। ये मेरी प्रार्थना है। क्या हम अपने सीधे हाथ को अपने दिल पर रखकर दूसरे हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर इस समर्पण को हम करें आज के दिन? आप अपने शब्दों में इस समर्पण को करिए। इस मंदिर में खड़े होकर होने दे यहोवा परमेश्वर आपकी दिल की बात को सुने। आपकी दिल की बात उसके दिल को छुएगा, आपकी फॉर्मेलिटी उसे बिल्कुल नहीं छुएगा, आपके होंठों के शब्द नहीं छुएगा, आपके दिल की बात उसके दिल को छुएगा। करता समर्पण आत्मा और जीवन हो तेरी आराधना में तन मन। हालेलुया। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम में से हर एक के साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमेन आमेन और आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें।